ओम शांति। 10 मार्च भगवान स्वयं साकार में आकर हम सभी को पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हम सतयुग में देवी देवता थे, सर्वश्रेष्ठ धर्म के थे, हमारा देवी संप्रदाय था, हम सबको याद दिलाते हैं तुम्हारा सारा मदार इस पढ़ाई पर है। लौकिक में भी पढ़ाई से ही अच्छे पद मिलते हैं, लेकिन बाबा एक राज भी बता रहे हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत पुकारा है, वो पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ते हैं, जिन्होंने कम भक्ति की है वो कम पढ़ते हैं। ये हमें रहस्य बताते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम सोचे हम कम पढ़ेंगे, हमने भक्ति कम की है। हमें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस पढ़ाई से ही आत्मा शुद्ध होती है, दैवी गुण आते हैं, सच्चाई सफाई आती है। तो बाबा कह रहे तुम्हें बहुत अच्छा योग युक्त स्थिति में रहना है। जो बच्चे योग युक्त बहुत रहेंगे, जिनका योग का अभ्यास बहुत अच्छा होगा, उनकी निशानी बता रहे हैं, उनमें दैवी गुण आते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, वो बहुत मीठे बनते जाएंगे, उन्हें सदा याद रहेगा जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, उनकी एक्टिविटी उनकी चलन बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी। ये बाबा रोज याद दिलाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि योग तो बहुत करते हैं, लेकिन ये देवी गुण उनमें दिखाई नहीं देते, तो समझ लेना चाहिए कुछ मिस है, या योग अच्छा नहीं लग रहा है, या हम योग के साथ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, धारणाओं पर हमारा अटेंशन नहीं है, तो हमारा योग पर भी ध्यान हो, पढ़ाई पर भी हो, और दैवी गुण धारण करने पर भी बहुत ध्यान होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं लोग मुझे पुकारते हैं, हे शांति देव आकर शांति दो, पुकारते मुझे हैं, फिर जो शांति की थोड़ी बहुत राय दे देते हैं दुनिया में, उन्हें पीस प्राइज देते रहते हैं, उनके द्वारा शांति तो स्थापित होती नहीं। बाबा कह रहे हैं मैं तुम बच्चों के द्वारा विश्व में शांति की स्थापना करा रहा हूं, तुम्हें निमित्त बनाया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें प्राइज भी बहुत बड़ी देता हूं। तुम भगवान के द्वारा स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हो, तो तुम्हें बहुत शांत में भी रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना है, किससे ज्यादा बहस नहीं करनी है, शांत में रहना बहुत ही अच्छा गुण है। तुम्हें शांत में भी रहना है और बहुत स्वीट भी रहना है, दुनिया में तो झगड़े ही झगड़े हैं। बाबा कह रहे हैं देखो एक कीमत दूसरे से नहीं मिलती, तो पॉलिटिक्स में भी लोग लड़ते रहते हैं और संसार में भी बहुत चीजों पर लोग लड़ते ही रहते हैं, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम शांति के द्वारा सब पर विजय प्राप्त करते हो। बहुत ही ये गहरी बात है, तुम्हारा है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान तो सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, और विज्ञान कहा जाता है दुनिया में तो विज्ञान माना साइंस, लेकिन तुम्हारा विज्ञान है आवाज से परे जाने का, परमधाम में स्थित हो जाने का, अर्थात राजयोग ही विज्ञान है, राजयोग का गुह्य ज्ञान ही संसार के लिए विज्ञान है, जिससे सुख शांति मिलती है, जिसे निरोग काया मिलती है, जिससे ये समस्याएं जो आजकल पैदा हो गई हैं वो समाप्त हो जाती हैं। हम देख सकते हैं विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, सुखों के साधन दिए, जीवन को सरल करने के लिए कितनी चीजें आ गई घरों में, लेकिन मनुष्य का दुख बढ़ता गया, अशांति बढ़ती गई, समस्याएं बीमारियां बढ़ती गई, झगड़े बढ़ते गए, हिंसा बढ़ती गई। ये विज्ञान जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, इस राजयोग के विज्ञान के द्वारा ये सब बातें समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें सद्गुण भी बहुत धारण करने हैं और बाबा से भगवान से पीस प्राइज लेनी है।
स्वर्ग की बादशाही तुम्हें मिलती है, इसलिए तुम्हें भगवान का संग मिल गया है। कितनी अच्छी बात है, भगवान का साथ मिल गया है। जब सारा संसार इस बात को पहचानेगा तो हिंदू धर्म की आत्माएं, देखिए हिंदुओं की आबादी तो बहुत होनी चाहिए, पर बाबा कह रहे हिंदू अपने धर्म को भूल गए तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, तो वो सब कन्वर्टेड जो आत्मा है हिंदू धर्म की वो वापिस आ जाएंगी अपने धर्म में। ये एक बहुत बड़ा राज है, जिसका जो मूल धर्म है जो दूसरे धर्मों में चले गए अब एंड में सब वापिस अपने मूल धर्म में आ जाएंगे, तो जय जयकार हो जाएगी, सभी बाबा को पहचानने लगेंगे, सभी उनसे ज्ञान लेने लगेंगे और सभी फिर से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करने लगेंगे। तो बाबा आज विशेष ध्यान दिला रहे हैं, तुम्हें योग के साथ दैवी गुणों पर भी बहुत ध्यान देना है, तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, सेवाओं में भी बहुत आगे निकलना, महारथी बनना है। लेकिन आज बाबा एक चीज और सिखा रहे हैं, तुम्हें देह अभिमान में आकर किसी की ओर झुक नहीं जाना है। टीचर बहनें जो तुम्हें ज्ञान दे रही हैं, या ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, वो भी मैंने इन्हें सब कुछ दिया है, मैंने इन सब का कल्याण किया है, मैंने सबको ज्ञान दिया है, तो तुम्हारी बुद्धि केवल एक मुझसे ही लगनी चाहिए, किसी देहधारी से नहीं, क्योंकि ये समस्या जानता उभरती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं जितना अच्छा योग करेंगे, जितना अच्छा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तुम इस माया से स्वयं को सेफ करते जाएंगे। वरदान होली से संबंधित है, क्योंकि होली आ रही है, पुनः आ गई है, तो तुम्हें बाप के संग का रंग सबको डालना है, बुराइयों की होली जला देनी है, तुम्हें ज्ञान का, देखिए कई शब्द बाबा ने बोले, ज्ञान का रंग दूसरों पर डालना है, दैवी गुणों का रंग दूसरों पर डालना है, शक्तियों का रंग दूसरों पर डालना है, शुभ वृत्ति श्रेष्ठ कामनाएं श्रेष्ठ भावनाओं का रंग दूसरों पर डालना है, इन्हीं की तो जरूरत है। अगर ये सब ठीक हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं यही होगी तुम्हारी सच्ची होली, तब तुम बाप समान बन जाओगे। स्लोगन तो बहुत ही गहरा है, सारा ज्ञान आ गया उसमें, दृष्टि को अलौकिक बनाओ, बुद्धि को रहमदिल बनाओ, अपने बोल को बहुत मधुर बनाओ, वृत्तियों को शुद्ध करो, तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम इस अभ्यास में रहेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर से शांति की किरणें आ रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं, अर्थात हम विश्व में शांति की स्थापना करने वाले हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.